हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम कनक है और आओ सीखे आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर 2। जैसे कल मैंने आपको एक चैप्टर रीड कराया था और इस बुक का नाम है द जंगल बुक। तो इस बुक में मैंने आपको ये वाला जो चैप्टर था मैंने कल अच्छे से रीड कराया था और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ रीडिंग कराने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, हम लोग हिंदी से इंग्लिश तो जानते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश अगर मैं आपको समझाऊंगी तो हम वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे जो आपको समझनी है। यानी कि बुक रीडिंग जो आप मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको थोड़ी इजी, जैसे बुक है, जैसे थोड़ी सिंपल बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड मीनिंग जैसे ये उसमें आपको कन्फ्यूजन होती है। जब हमारी ये वाली बुक पूरी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको थोड़ी डिफिकल्ट बुक से रीडिंग कराऊंगी ताकि धीरे धीरे आप अच्छे से रीडिंग करना सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहां तक रीडिंग करी थी, यहां पर मैं दिखा देती हूँ पैक। अब मैं इसके आगे से आपको रीडिंग कराऊंगी। सबसे पहले द द में देखिए, हम इसे द क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट वाले ई को कहीं पर भी किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर लास्ट में ई होता है तो लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि कहीं पर भी लास्ट में ई होता है तो ई को नहीं पढ़ा जाता है, तो इसीलिए हम इसे द पढ़ते हैं। उसके बाद शुरू में अगर एस होता है और उसके बाद कोई भी दोबारा से कॉन्सोनेंट आ जाता है तो जो एस होता है वो आधा पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद एल को ल पढ़ेंगे और डबल ई को हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, तो ये हो गया स्ली। उसके बाद पी को पा पढ़ेंगे और लास्ट वाले वाई को हम ई पढ़ते हैं, यानी कि स्लीपी, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बी को हम ब पढ़ रहे हैं। जब भी दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं, जैसे बी और आर, कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो मात्रा नहीं होते हैं, ये दोनों मात्रा नहीं है तो ये दोनों कॉन्सोनेंट है। जब भी इस तरीके से दो कॉन्सोनेंट साथ में होंगे तो हमेशा आपको पहले वाले को आधा पढ़ना है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसलिए हम इसे आधा ब पढ़ रहे हैं, सॉरी इसको तो पूरा ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर कभी भी आर दूसरे नंबर पे होता है तो हमेशा आर को ही आधा लिखा जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर आप देख रहे हैं हम इसको, तो जैसे आपने देखा इसे ब्र। इसके बाद ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ते हैं, तो पहले आउ कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे हमने लिखा आउ, तो आउ में पहले आ का डंडा लिखेंगे फिर ऊ लिखेंगे, यानी कि ब्रा आउ। उसके बाद एन को न पढ़ेंगे यानी कि ब्राउन, ठीक है, द स्लीपी ब्राउन। उसके बाद बी को ब पढ़ेंगे और ई ए को सबसे ज्यादा बड़ी की मात्रा पढ़ा जाता है। ई ए को कब बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, कब ई ए को ए भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ई पढ़ते हैं कहाँ पर ए, उसके लिए आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम A to Z सारे रूल शुरू से सिखाते हैं, साथ में लिखे हुए सारे नोट्स भी देंगे। और ये 9 बजे रात को हमारी क्लास होती है जिसमें आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आपको सारे नोट्स, और एक ही बार एडमिशन लेना होगा, बार बार एडमिशन भी नहीं लेना होगा आपको। उसके लिए ये जो स्क्रीन पे आपको नीचे नंबर दिख रहा है ना उस पर आप कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे बी को बा पढ़ा, डबल ई को यहाँ पर हम ई की मात्रा पढ़ें। हमेशा याद रखिएगा वैसे तो ई ए को बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी ई ए आर होता है तो हम बड़ी ई की मात्रा नहीं, इसे छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि इसे ई आर पढ़ते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बी आर, ठीक है। उसके बाद ए को ए पढ़ते हैं शुरू या बीच में अगर छोटी वर्ड मीनिंग में होता है, एन को ना पढ़ेंगे और डी को डा यानी कि एंड, ठीक है। तो जैसे आपने देखा एंड, उसके बाद फिर से द आ गया, तो द यहाँ पर देखिए बी और एल जब दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं तो हम उसमें यहाँ पर देखिए बी को हमने यहाँ पर आधा पढ़ा था, लेकिन सॉरी बी को पूरा पढ़ा था, आर को आधा, यहाँ पर बी को आधा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं तो पहले वाले को हमेशा आधा लिखा जाता है, लेकिन कभी दूसरे नंबर पर अगर आपका आर है तो हमेशा आर ही आधा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा बी आधा होगा। जैसे ब ल, और ए को हम ए पढ़ते हैं बीच में और सी के को का पढ़ते हैं यानी कि ब्लैक, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं पी को पा पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं और इसको न पढ़ रहे हैं, एन को टी एच को, देखिए टी एच के बाद अगर कभी भी जैसे पैंथर पढ़ेंगे या पैंथर पढ़ेंगे, जैसे पैंथर पढ़ते हैं लास्ट में टी एच होता है तो उसको हमेशा था पढ़ते हैं, और आर को रा पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में ई आर को आर पढ़ा जाता है, तो ये हमारा पैंथर हो गया, ठीक है। उसके बाद एस, कभी भी एस और पी, जैसे मैंने बोला दो कॉन्सोनेंट यानी कि दो व्यंजन अगर साथ में होते हैं और उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती है तो पहले वाला आधा होता है, तो हमारा जो एस है वो आधा माना जाएगा, और पी को पूरा लिखेंगे,
ओ को ओ पढ़ते हैं, बीच में ओ को सबसे ज्यादा ओ पढ़ा जाता है, और बीच में कहीं पर भी होगा तो आपको सबसे ज्यादा ओ पढ़ना है। ओ को आ का पढ़ना है, ऊ का पढ़ना है। उसके लिए आप कोचिंग में ज्वाइन करके रूल्स सीख सकते हैं, जिसमें आपको शुरू से सारे रूल्स बताए जाएंगे, और उसके बाद आप 8 बजे हमारी क्लास करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगी। लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं तो ये हमारा स्पोक हो गया, क्योंकि सिर्फ हमने इतने को रीड करा है। उसके बाद एफ को फ पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, और आर को रा पढ़ रहे हैं, यानी कि फोर। इसको हम इल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं टी को टा पढ़ेंगे। ई ए को सबसे ज्यादा बड़ी की मात्रा पढ़ा जाता है तो हमने टी पढ़ा। उसके बाद सी एच को चा पढ़ते हैं, यानी कि टी। सी एच को का भी पढ़ते हैं, तो का के लिए कुछ 10-12 वर्ड मीनिंग होते हैं जहां पर सी एच को का पढ़ते हैं। उसके उसमें हम नोट्स जो देते हैं ना कोचिंग में, उसमें आपको सारे नोट्स दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी और इसके कुछ रूल्स भी बताते हैं। एच को हा पढ़ते हैं। आई कभी भी बीच में होगा तो हमेशा आई को शुरू और बीच में ई पढ़ते हैं, तो ये हमारा छोटी ई की मात्रा होता है। एम को माँ पढ़ेंगे, यानी कि हिम। एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। द स्लीपी ब्राउन बियर एंड द ब्लैक पैंथर स्पोक फॉर इल टीच हिम। उसके बाद इसको भी दा पढ़ेंगे। दा यहाँ पर देखिए एल को ला पढ़ा और ए डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं। वैसे ए डब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं, लेकिन वो आपको मैं बाद में बता दूंगी। तो इसको अभी हम ओ पढ़ रहे हैं, लो। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिख भी रखा है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए जी को हम ग पढ़ रहे हैं, और आर कहीं पर भी दूसरे नंबर पे होगा तो हमेशा आर को आधा पढ़ा जाता है, ये हमारा ग्र हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू को आ पढ़े, कभी भी यू बीच में होता है तो यू को आ पढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया गन, ग्रन, सॉरी आर भी है ना, तो ग्रन। उसके बाद टी को टा पढ़ा, ग्रन टी, क्योंकि ईडी को ईड भी पढ़ते हैं और डा भी पढ़ते हैं और टा भी पढ़ते हैं, उसके लिए आपको सारे रूल्स जानने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा ग्रंटिड, ठीक है, ग्रंटिड। उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं आई थिंग। अब देखिए अगर बीच शुरू में टी एच होता है तो हमेशा उसे वैसे तो दा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे था पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ स्पेलिंग में रूल से अलग होता है, यानी कि रूल से अलग पढ़े जाते हैं, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर था पढ़ रहे हैं। वैसे ज्यादातर इसे दा पढ़ा जाता है। आई को ई पढ़ते हैं, मैंने बताया था बीच में, और एन को आधा ना, क्योंकि एन और के बीच में कोई वोवल्स नहीं है, इसलिए एन को आधा पढ़ा जा रहा है, तो ये हमारा थिंक हो गया। जो भी आधा लेटर होता है ना, उसको हमेशा एकदम जल्दी से पढ़ा जाता है, तभी वो आधा माना जाएगा। जैसे मैंने बोला थिंक, वो गलत हो जाएगा, कैसे बोलेंगे थिंक, क्योंकि ना को जल्दी बोलना है, क्योंकि वो आधा है ना, इस वजह से। कभी भी डब्ल्यू ई तो इसको हम वी पढ़ेंगे, एस ई इसको हम सी पढ़ते हैं। छोटी छोटी स्पेलिंग में अगर ई होता है तो उसको ई पढ़ते हैं। उसके बाद एस एच को शा पढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको ओ यू को ऊ पढ़ेंगे और डी को डा पढ़ेंगे, क्योंकि सुड में और कुड में हमारा एल को साइलेंट रखा जाता है, तो ये हमारा सुड होता है, सुल्ड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए को ए पढ़े, डबल सी को हम स पढ़ेंगे, क्योंकि सी के बाद अगर ई होता है तो सी को स पढ़ते हैं। उसके बाद ये ए की मात्रा हो गई एक्स ए, और पी को पा पढ़े और टी को टा, यानी कि एक्सेप्ट। वैसे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे एक्सेप्ट। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर, चलिए वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले अभी आप इसको देखिए। उसके बाद इसको हमने द पढ़ा, मेंस, क्योंकि बहुत सारों के लिए ये, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। आप ये मत सोचिएगा इसका मतलब है स, कभी भी अगर अपोस्ट्रोफी एस होता है ना कहीं पर भी आपको दिखे तो उसका मतलब होता है का की या के, का की, जैसे मैन अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि आदमी का, आदमी की, आदमी के, इस तरीके से इसका मतलब का की के होता है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब, इसको हम अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर भी दिखे तो आप अपोस्ट्रोफी एस पढ़ेंगे। उसके बाद सी को का पढ़ेंगे, क्योंकि सी के बाद यू होता है तो सी को का पढ़ते हैं, लेकिन सी को और क्या क्या पढ़ते हैं उसके लिए आप कोचिंग में देख सकते हैं। यू बीच में होता है तो इसको आ पढ़ते हैं और बी को बा, यानी कि कब, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं उसके बाद जैसे एस को हम सा पढ़ते हैं, शुरू में हमेशा एस को सा ही पढ़ा जाएगा, और एस को तो वैसे भी सा ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शुरू में अगर सा लिखना हो तो ज्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए सा के बाद ए आ रहा हो तो हमेशा आपको ऐसे ही लिखना, कभी भी सी मत लिखिएगा। ए आई को हमेशा बड़े ए की मात्रा पढ़ते हैं, तो सैड, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सैड, यानी कि दुखी, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं एस ओ, एस को सा पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ते हैं, यानी कि सो। उसके बाद इसको द पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं।
उसके बाद जैसे सी के बाद कभी भी ओ आता है तो सी को का पढ़ते हैं, और ओ यू को आउ पढ़ते हैं, काउ। उसके बाद एन को ना पढ़ा और सी को सा पढ़ेंगे, क्योंकि सी के बाद आई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं, आई को हमने ई पढ़ा, एल को ला पढ़ा, यानी कि काउंसलिंग, काउंसलिंग। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं, डी को डा पढ़ेंगे, वो कभी भी डी ई साथ में होगा तो उसको डी पढ़ा जाता है, यानी कि डी। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर सी को सा पढ़ा था, ऐसे यहाँ पर भी इसको सी पढ़ा जाएगा, यानी कि अब देखिए वैसे तो हम इसे सी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि सी के बाद एक लेटर छोड़ के ई भी आ रहा है, तो आई के बाद अगर एक लेटर छोड़ के ई आता है तो आई को आई पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डी, उसके बाद इसे सा और इसको आई पढ़ेंगे। आई देखिए वैसे तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर आपको कोई किसी में लिखना है तो आ का डंडा और ई लगाना है। उसके बाद हमने डी लिखना है, डी साई, और इसको हम इड पढ़ रहे हैं तो डिसाइड, ठीक है। उसके बाद टी एच को हम क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने इसे क्या पढ़ेंगे, डेट। तो टी को वैसे एच कभी भी टी एच अगर शुरू में होता है तो उसे दा ही पढ़ा जाता है, और इसको हम डा पढ़ेंगे, यानी कि डेट, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं, सी को यहाँ पर का पढ़ेंगे, ओ यू को हम ऊ पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आउ पढ़ा, देखिए ओ यू को आउ भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं, और भी रूल्स हैं, लेकिन ये सारे रूल्स कैसे पता चलेंगे, अगर आप चाहते हैं शुरू से सारे रूल्स सीखना तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ए टू जेड सारे रूल्स क्लास के, जैसे क्लास से होगी आपकी रेगुलर, आपको सिखाए जाएंगे, साथ में आपको सारे रूल्स लिखे हुए भी दिए जाएंगे कि किसको कैसे पढ़ना है। और हमारी क्लास में पढ़ना भी सिखाते हैं, लिखना भी सिखाते हैं, बोलना भी सिखाते हैं। अगर आपको जैसे काउंसलिंग लिखना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि का के लिए सी लिखना है, के लिखना है, ओ के, आओ के लिए ओ यू लिखना है, या क्या लिखना है, ये सब भी हम आपको लिखना सिखाते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं, तो ओ यू को ऊ पढ़ा, कू हो गया, कभी भी कुड, कुड कहीं पर भी लिखा होगा ना इस तरीके से, तो एल को हमेशा साइलेंट रखा जाता है, तो ये हमारा कुड होगा, इसे कुल्ड नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद एस के बाद टी है, तो कभी भी इस तरीके से दो कॉन्सोनेंट साथ में हो और उनके बीच में कोई वोवल्स ना हो तो हमेशा पहला वाला आधा होता है, तो एस को आधा लिखेंगे, टी को पूरा, और ए वाई को बड़े की मात्रा पढ़ते हैं, स्टे, स्टे यानी कि ठहरना। उसके बाद डब्ल्यू को तो वाई पढ़ते हैं और आई को ई पढ़ते हैं बीच में और शुरू में, टी एच को हम हमेशा था पढ़ते हैं लास्ट में, तो बिथ हो गया। उसके बाद इसको द पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे देखिए मैंने ये मेरा जेल पेन है ना, इस वजह से ये सारा ऐसे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपको समझाना, आपको समझ में आना चाहिए। एक और चीज बोलूंगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर 8 बजे आपको मैं बुक रीडिंग सिखाने वाली हूँ। और अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो आप कोचिंग करेंगे तो आपका डबल फायदा है। देखिए कोचिंग में आपको सारे रूल सिखाए जाएंगे कि किसको कैसे पढ़ना है, और 8 बजे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि रूल सीखने के बाद आप उसको रीडिंग भी सीख सकते हैं कि रीडिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। तो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के साथ साथ रीडिंग करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे। जैसे इंग्लिश बोलने से आती है, जैसे हिंदी हम बोलते हैं तभी तो हमें हिंदी आती है, इसी तरीके से हिंदी पढ़ने से आएगी। जब तक आप हिंदी की बुक नहीं पढ़ेंगे आपको हिंदी नहीं आएगी, और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको इंग्लिश की बुक पढ़नी होगी, और बुक के लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए, और रूल्स के लिए आप कोचिंग कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको पूछना हो, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम स्टे विथ द, उसके बाद टी डब्ल्यू ई, कहीं पर भी टी डब्ल्यू ई होता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 12 पढ़ेंगे। जैसे टी को टा पढ़ा, इसको ऊ पढ़ा, एल को ला पढ़ रहे हैं 12, क्योंकि लास्ट वाली को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं, कभी भी टी डब्ल्यू ओ होता है तो हम इसे 2 पढ़ते हैं, वहां पर हमारा डब्ल्यू साइलेंट होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हमने 12 पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर जैसे वाई को, कभी भी वाई शुरू में होगा तो उसको यहाँ पढ़ेंगे, तो हम इसे ईयर पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत से बच्चे से ईयर भी पढ़ते हैं, लेकिन आप दोनों ही तरीके से पढ़ सकते हैं, इसे ईयर्स भी पढ़ सकते हैं और ईयर भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको सही लिखे, ईयर्स और ईयर दोनों ही तरीके से पढ़ा जाता है, क्योंकि वाई को या भी पढ़ते हैं और कुछ जगह ई भी पढ़ते हैं, जैसे दोनों ही तरीका सही है, जैसे भी आप पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ेंगे रोल्ड, क्योंकि आर ओ को रो पढ़ा और डबल एल को हम एक ही बार ला लिखेंगे और ईडी को डा, यानी कि रोल्ड,
उसके बाद वी वाई कहीं पर भी होगा तो आपको इसको वाई पढ़ना है, क्योंकि लास्ट वाले वाई को आई पढ़ा जाता है। वाई को आई कब पढ़ते हैं, ई कब पढ़ते हैं, उसके लिए भी आप सारे रूल सीख सकते हैं, आपकी चॉइस है जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद जैसे स्ट्रांग, तो देखिए इस तरीके से अगर तीन लेटर हो तो आपको कैसे पढ़ना, पहले वाले को आधा, फिर उसके बाद ट लिखेंगे, और ये रा हमेशा इस तरीके से आधा लिखा जाता है, और ओ को ओ पढ़ेंगे, और एन को आधा ना, और इसको का स्ट्रांग यानी कि मजबूत। उसके बाद एंड, आप देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, आप देखिए वैसे तो जी के बाद आई होता है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम अजाइल पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिए जी के बाद अगर आई होता है तो जी को जा पढ़ते हैं, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आई को आई पढ़ेंगे, क्योंकि आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई है, तो अजाई लो अजाई, ठीक है। उसके बाद एंड टॉट हिम द लॉस, देखिए ए डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं तो लॉस, उसके बाद ऑफ द, ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा ऑफ द तक। कल मैं आपको ये वाला पेज, अभी एक और पेज है वैसे तो रीडिंग कराने को, लेकिन अभी हमारा ना इतना मैं चलिए पढ़ा देती हूँ। वन डे, क्योंकि ए वाई को ए पढ़ते हैं, तो और हमेशा याद रखिए ओ एन ई कहीं पर भी होगा ना, ओ एन, अगर ओ एन ई कहीं पर भी होगा तो आपको इसको वन पढ़ना, ऑन नहीं पढ़ना, इसको याद रखिएगा वन, जैसे वन, ओ को वा भी पढ़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डी को डा पढ़ते हैं, ए वाई को ए पढ़ते हैं तो डे हो गया। उसके बाद कभी भी डब्ल्यू एच साथ में होगा और उसके बाद ई होगा तो आपको क्या करना है, एच को साइलेंट रखना है, तो ये हमारा क्या होगा वैन, इसको क्या पढ़ते हैं वैन, ठीक है, क्योंकि ई को ए पढ़ रहे हैं और एन को ना पढ़े। उसके बाद द, पी, पी ए को पै पढ़ेंगे क्योंकि ए को ए पढ़ते हैं और सी के को का यानी कि पैक। उसके बाद इसे वॉज भी पढ़ते हैं और वाज भी पढ़ते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए अगर मान लीजिए एच यू एन लिखा होता है तो हम इसे हन पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर बीच में यू जो होता है उसको हम आप भी पढ़ सकते हैं या कुछ नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, तो अभी से हम पढ़ेंगे हन। उसके बाद टी को टा पढ़ेंगे, आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, हंटिंग हंटिंग, ठीक है। उसके बाद अ, ये एक नाम है सांभर, साम भर सांभर, ठीक है, सा म ठीक है भर सॉरी सांभर, ठीक है, क्योंकि ये इस सॉरी मैंने आ का डंडा लगा दिया गलती से, सांभर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप इसे सैम्भर क्यों नहीं पढ़ रहे, आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक नाम है सांभर, तो हम नाम के अकॉर्डिंग ही इसे पढ़ रहे हैं, इसे सैम्भर नहीं पढ़ सकते, और वैसे हाँ पढ़ सकते हैं अगर आप कोई वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं उसमें भी पढ़ सकते हैं। देखिए ए के बाद अगर दो व्यंजन आते हैं जैसे कि मान लीजिए एम और वी आ रहा है तो दोनों क्या है व्यंजन है, तो इस जब ऐसा कुछ भी होता है ए के बाद दो व्यंजन आते हैं तो ए को बड़ा पढ़ा जाता है। उसके बाद बी ई को बी पढ़ेंगे और सी को का पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे यानी कि बिकेम, लास्ट वाले ए को नहीं पढ़ना। अब ये वाला मैं आपको बता देती हूँ, इसको पढ़ेंगे जी को गा, आर को हमेशा आधा पढ़ते हैं अगर वो दूसरे नंबर पे होता है। उसके बाद ए को ए पढ़ेंगे ग्रे व ली, ग्रेबली क्यों पढ़े क्योंकि ई एल कहीं पर भी लास्ट में होता है तो उसको अल पढ़ते हैं यानी कि ग्रेबली, और लास्ट वाले ई को ई पढ़ते हैं। उसके बाद यहां से मैं आपको कल सिखाऊंगी, यहां से लेके इंजर्ड से लेके यहाँ तक हम कल सीखेंगे, हाउस तक रीडिंग करेंगे, जो भी रूल्स होंगे वो मैं आपको समझाऊंगी, और साथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और 8 बजे रेगुलर क्लास जरूर लें। आओ सीखे आज चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप ऐसी क्लास लेते रहें और जल्दी से इंग्लिश सीख जाएं। चलिए फिर कल मिलते हैं।